देखने में बिल्कुल रियल लगेगा और पानी से भी खराब नहीं होगा। चीजें लगी बट मैंने किस तो वैसे तो मेरे हाथ तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ फेक प्लांट्स खरीदे थे और आप लोग ने बोला कि तुम्हें ये सब खरीदने की क्या ज़रूरत है, तुम तो इसको घर पे ही बना सकती हो। अब बताओ इतने सारे आइडियाज़ तो आप लोग ही मुझे देते हो और सारा क्रेडिट मैं ले जाती हूँ। तो चलो अब इतना अच्छा आइडिया दे ही दिया है तो आज यही बनाते हैं। तो अब फेक प्लांट्स बनाने के लिए ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स मिल जाते हैं, बट मेरी ये प्रॉब्लम थी कि इसे बना लेंगे और ये एक दो साल चल भी जाएगा बट उससे ज़्यादा शायद नहीं चल पाएगा क्योंकि पेपर ही तो है, अगर उस पर पानी गिर गया या फिर वो मुड़ तुड़ गया तो कुछ ना कुछ वो ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा टाइम के लिए वो चलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि घर पे कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे हम लीव्स बना भी सकें और उस पर पानी वगैरह पड़े तो वो ख़राब भी ना हो और कई सालों तक वो चल सके। तो फटाफट से मैंने अपना कबाड़ खाना खंगाला और जितनी सारी चीज़ें थी सब ढूंढ ढूंढ के निकाली कि किस किस चीज़ से हम फेक प्लांट्स या फेक लीव्स बना सकते हैं। तो वैसे तो मेरे हाथ बहुत सारी चीज़ लगी बट मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है लास्ट में। तो इस तरह की जो पुरानी फाइल्स होती है ना वो मेरे पास पड़ी हुई थी। ये वाला प्लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट है जो क्राफ्ट मुझे बनाना है उसके लिए। वैसे कबाड़ में से मुझे कुछ और ऑप्शंस भी मिले, जैसे कि ये जो जिसमें कपड़े आते हैं ना ऐसे वाले पैकेट्स थे और कुछ कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जिसकी प्लास्टिक काफ़ी थिक होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या घर में आप ढूंढिए, आपको कुछ भी वेस्ट में ऐसी चीज़ मिल जाती है प्लास्टिक टाइप की जो कि आप यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर उसको यूज़ कर लो क्योंकि कबाड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर पर जो कबाड़ रखा है वही आपके घर पर रखा हो, तो कुछ डिफरेंट भी अगर आपको मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब पत्ती किससे बनानी है उसका जुगाड़ तो हो गया, अब कैसे बनानी है वो भी देख लेते हैं। तो इसी में से हमें ढेर सारी लीव्स कट करनी है। अब आपको जो भी प्लांट चाहिए आप उस तरह की लीव्स कट कर लीजिए। आप चाहे तो कोई बड़ी बड़ी लीव्स भी बना सकते हैं बट मैं यहाँ पे छोटा एक प्लांट बना रही हूँ क्योंकि ये जो प्लास्टिक था ये लिमिटेड ही था मेरे पास, तो छोटी छोटी लीव्स बनाऊंगी तो ढेर सारी बन जाएगी। तो जितनी लीव्स कट करनी है उतनी कट कीजिए। मैंने यहाँ पे टोटल 13 लीव्स बनाई हैं और कुछ कुछ लीव्स का साइज़ भी मैंने थोड़ा छोटा बड़ा करके रखा है ताकि सारी लीव्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती किसी भी प्लांट में। तो देखो अब इसको थोड़ा सा और लीव जैसा लुक देने के लिए हम एक कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले लेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे जिससे कि ये जो डिज़ाइन है थोड़ी सी उभरी उभरी सी और लीव जैसी दिखाई देगी। तो बस मेन काम तो हो गया, अब बस इसको पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जेसो का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ और आपके पास जेसो नहीं है तो आप डायरेक्टली भी पेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब क्योंकि लीव्स पर्पल और पिंक कलर में है तो अगर मैं डायरेक्टली इस पर पेंट करूँगी ना ग्रीन कलर से तो मुझे 3-4 कोट शायद अप्लाई करने पड़ जाए, इसलिए मैंने पहले वाइट एक कोट अप्लाई कर दिया है। और अब मैं ले रही हूँ ये एक्रीलिक ग्रीन कलर, आप चाहे तो चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एग्जैक्टली ये ग्रीन शेड नहीं था तो मैंने जो भी शेड था मेरे पास उसमें हल्का सा येलो मिला लिया तो परफेक्ट शेप मतलब परफेक्ट शेड मिल गया मुझे। तो अगर आपके पास भी ऐसा लीफ ग्रीन कलर नहीं है तो आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो। अब फटाफट से सारी लीव्स को हम पेंट कर लेंगे, इसमें कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, कोई ज़्यादा आपको स्किल्स नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट ब्रश उठाओ और पेंट कर डालो। अब कलाकारी दिखाने वाला थोड़ा सा पार्ट आएगा जो कि मुझे भी अच्छे से नहीं आता है कि शेडिंग कैसे करूं, बट लीफ पे जो पैटर्न होता है ना वो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक लाइटर शेड बनाया ग्रीन का। इसके लिए मैंने येलो कलर में ग्रीन और वाइट कलर मिक्स कर लिया तो ये लाइट ग्रीन टाइप का शेड बन गया। और अब इस कलर से ना हम जो लीफ में पैटर्न होता है ना लाइट ग्रीन कलर से वैसे ही बना लेंगे। तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ और मेरी शेडिंग वगैरह इतनी अच्छी है नहीं, तो 2-3 लीफ पे ट्राई करने के बाद तब जाके मेरा ठीक से बनना स्टार्ट हुआ। आप चाहे तो पहले एक रफ पेज पे ट्राई कर सकते हैं, मेरी तरह डायरेक्टली मत कूद पड़िएगा किसी भी चीज़ में क्योंकि मेरे अंदर तो वैसे भी इतनी सबर नाम की चीज़ नहीं है कि पहले मैं रफ पे ट्राई करूँ, तो ऐसा मत करना आप। तो इस तरह से सारी लीव्स हमने पेंट कर ली हैं और ये जो पैटर्न है ना ये मैंने सिर्फ आगे ही बनाया है, पीछे का साइड जो है वो प्लेन ग्रीन है क्योंकि वैसे भी पीछे वाला साइड दिखना है नहीं तो उसको पेंट करके और पेंट बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब वार्निश से भी सील करने के बाद हमें इसमें वायर चाहिए था बट वायर भी मेरे पास नहीं था, तो ये पुराने से वायर्स मेरे पास पड़े हुए थे थोड़े से, तो पहले तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसको चिपकाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये सिलिकॉन ग्लू। तो यहाँ पे तो हमने ये वाला वायर चिपका दिया है। अब नीचे की डंडी बनाने के लिए
मेरे पास ये स्टेम्स हैं जो कि मैंने अमेजोन से लिए थे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये बहुत पहले से मेरे पास रखे हैं, मैं इसका कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो नीचे मैं इसको चिपका दूंगी। वैसे आप चाहें तो नॉर्मल जो वायर मिलता है ना क्राफ्ट की शॉप पे वो ले आ सकते हो, और मेरे पास क्योंकि वायर नहीं था तो मैंने ये दो पार्ट में अलग अलग ये स्टेम बनाया है, बट ऊपर से नीचे तक आप एक पूरा वायर चिपका सकते हो। तो इसे भी हम सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। अब पत्ते को हम जैसा ओरिजिनल पत्ता होता है ना थोड़ा सा मुड़ा हुआ वैसा ही हम मोड़ देंगे, और इसी तरह सारे पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। तो बस अब क्या करना है कि सारे जो हमने लीव्स बनाई हैं उनको एक साथ लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे अरेंज कर दिया है ताकि एक ही जगह पे सारे पत्ते ना इकट्ठे हो जाएं, और एक रबर बैंड की हेल्प से इसको हम बांध देंगे, और सारी लीव्स को अब चारों दिशाओं में हम ऐसे खोल देंगे ताकि ये पत्तों का गुच्छा एक पौधे जैसा बन जाए। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब नेक्स्ट वाला तो बिल्कुल क्विक डीआईवाई है, ये आप बिल्कुल दो तीन मिनट ज्यादा हो गया, आप 10-15 मिनट में आराम से बना लोगे। इसके लिए ना ये जो पाइन कोन होते हैं ये हम लेके आए थे पहाड़ों से, ये तब से मेरे पास रखा हुआ था, तो इसे मुझे आधा कट करना था, बट इसको काटने का कोई भी औजार नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक एक करके ही हम सारे जो इसके ये क्या टुकड़े हैं ना ये जो भी हैं इसको हम एक एक करके निकालेंगे। आपके पास कट करने का कोई जुगाड़ हो या आपको पता हो इसको कट कैसे करना है बीच में से तो आप मुझे बताना, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने ट्राई भी किया चाकू वाकू लेके बट कटा नहीं है। तो एक एक टुकड़ा इसका निकाल निकाल के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और बस यहीं पर रुक जाना है, इतना पार्ट हमें चाहिए और इसको अब हम पेंट कर लेंगे। तो आपको इसका थोड़ा सा लुक देख के समझ में आ रहा होगा शायद कि हम सकलैंड बना रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भी पेंट होने के बाद आपको दिखने लगेगा सकलैंड जैसा ही है। अब पेंट करने के बाद ना एक दिक्कत आ रही थी, मैंने कलर वलर मिक्स करके इसका शेड बना लिया, बट कैमरा पे पता नहीं क्यों ये कलर एकदम चटक सा दिख रहा था, जबकि जो सकलैंड होता है वो थोड़ा सा फेडेड कलर में, मतलब इतना चटक कलर का नहीं होता है। तो मैंने कलर तो वैसे ही बनाया था पर कैमरा पे एकदम चटक मटक क्यों दिख रहा था पता नहीं, बट कोई नहीं, जब आप घर पे बना के रखोगे तो सब लोग तो रियल में ही देखेंगे ना, तो चटक नहीं दिखेगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मुझे आप लोग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है मानसीज लाइफ, और उस चैनल पे ना मैं अक्सर आर्ट से रिलेटेड हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर देती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि आर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी छोटे मोटे हैक्स मैं वहाँ शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ क्योंकि वो आर्ट से रिलेटेड होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो आर्ट चैनल पे ही आएंगी, और वो चैनल अब कम्प्लीटली लाइफस्टाइल व्लॉग और इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि उस चैनल पे बहुत टाइम से मैं आर्ट रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, उसका यही रीज़न है क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये प्रॉपर आर्ट का चैनल है, तो आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो मैं यहीं डालूंगी। एंड उस चैनल पे भी मैं हैक्स वगैरह लाऊंगी, बट वहाँ पे सिर्फ होम रिलेटेड हैक्स या फिर क्लीनिंग हैक्स ऑर्गेनाइजिंग हैक्स ये सारी चीज़ें आएंगी, बट आर्ट का जो कुछ भी है A to Z वो सब मैं इस चैनल पे यानी कि मानसीज हैंडमेड पे आएगा। तो इससे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और मेरे लिए भी ईजी रहेगा। तो बस यही चीज़ बतानी थी, और अब आप लोग बताओ कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जो भी डीआईवाईज मैंने बनाए हैं वो आपको पसंद आए नहीं पसंद आए वो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, और शॉर्ट वीडियोस तो मैं हर रोज लाती ही रहती हूँ, तो चलो कल फिर मिलते हैं।